मेरा नाम प्रियांशी बदावा है। मैं कक्षा 9 आ की छात्रा हूँ। मेरा भाषण विवेक्ति है स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की आंतरिक पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मानव में शक्तियां जन्म से ही विद्वान रहती हैं। शिक्षा उन्हीं शक्तियों या गुणों का विकास करती है। पूर्णता बाहर से नहीं आती, अपितु मनुष्य के भीतर छिपी रहती है। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य व चरित्र का निर्वाह निर्माण, मन की एकाग्रता प्राप्त करना तथा जीवन का चतुर्मुखी विकास है। स्वामी जी का मत है कि सही शिक्षा ही राष्ट्र में श्रद्धा और आत्मविश्वास का संचार कर उसे विकास के पथ पर प्रगति कर सकती है। हम शिक्षा का जितना भी अध्ययन करते हैं, उतना ही हमें अपने 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 अज्ञान का भास होता है। शिक्षा की सही परिभाषा क्या है? जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का संचय कर सके, वही वास्तव में शिक्षा का सही परिभाषा है। हर मनुष्य के अंदर एक साथ तीन गुणों का होना आवश्यक है।